नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक का संपूर्ण निचोड़ करके टॉप 160 क्वेश्चंस लेकर आई हैं, जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 100% गारंटी से कहता हूं, इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में, पूरे भारत देश में कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सीरियस बच्चे जो चाहते हैं हमें हमारा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन को लेकर जो सीरियस हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक क्वेश्चन भी स्किप करके मत देखना, बीच में छोड़कर मत भागना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं यही से पूछे जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी? किसने रखी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखी थी 1876 में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी नींव रखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में डैश बंगाल में स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1876 में हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध है, यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहता हूं, 1905 में बंगाल के विभाजन से संबंधित है, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1905 में बंगाल विभाजन से, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन आंसर होगा, उस समय वॉइस राय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में दिया था। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, हर तरीका आपको समझा रहे हैं, हर तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1905। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1905 में हुआ, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1905। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था, लॉर्ड कर्जन, यानी डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना हुई सबसे पहले? बंगाल का विभाजन, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। दांडी यात्रा कब हुई थी दोस्तों? 1930 में हुई थी। और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1869 में हुआ था दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर में, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नथुराम गोडसे ने की थी महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। टॉप क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र टॉपिक है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्लास है, गारंटी से क्या, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से, इसी क्लास से। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव था? किन्हीं दो से जुड़ाव था, जुड़ाव आ गया, किन्हीं दो से जुड़ाव था, किन किन से था, किन से? सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और अहिंसा, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी सत्याग्रह सभा की स्थापना, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वोदय से, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो किस अखबार की स्थापना की थी? इंडियन ओपिनियन की, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो याद रखना इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी, इंडियन ओपिनियन अखबार की, तो भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, तो 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में भारत वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? ये क्वेश्चन भी ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है, तो जनवरी में, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे, 1915 में आए थे भारत में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिस तरीके से पूछे गए अब तक, हर तरीका आपको इस क्लास में मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो किस वर्ष किया था आरंभ? तो सभी याद रखिएगा, 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो ये किया था चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, चंपारण आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया 1917 में, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी, सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह दोस्तों किसकी मांग के लिए था, किसकी मांग के लिए था? तो यह था राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये अहमदाबाद में किया था 1918 में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो अध्यात्मवाद है सार तत्व गांधीवादी विचारधारा का, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी चुने गए, तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स पर सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था दोस्तों, किसने किया डिजाइन? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज, किसने किया डिजाइन? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी, इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी अहमदाबाद में, और 1917 में दोस्तों इसको स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे पर इसकी स्थापित कर दिया गया था, यानी साबरमती नदी के किनारे पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, और उसके बाद इसका नाम साबरमती आश्रम हो गया था, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम दोस्तों महाराष्ट्र के वर्धा में है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। फिनिक्स आश्रम जो है ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1932 में, सॉरी कब हुई थी? 1932 में हुई थी, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1932। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था दोस्तों, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, सत्याग्रह का सिद्धांत, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? एन जी रंगा थे, एन जी रंगा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन जी रंगा थे। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की जो शुरुआत है कब की गई थी? 1916 में की गई थी, 1916 में, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, 1916, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में बोधान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
कौन थे? एओहायोम थे, एओहायोम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एओहायोम। 1885 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी, बंबई। ऑप्शन सी होगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कितने प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी कितने, 72। कब की गई थी? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में किया गया था आयोजित? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों बंबई में। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? तो ये बॉम्बे में की गई थी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करें। तो किसको चुना गया? बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। कब चुना गया? 1887 में मद्रास में हुई कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 1887 के मद्रास अधिवेशन में, जो कि तीसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? तो ये 1909 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1909। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें स्तर के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष थे। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। 19वां स्तर कब हुआ था दोस्तों? 1903 में, ठीक है ना, 1903 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था 1903 में, 19वां स्तर, 19वां अधिवेशन, ठीक है। लाल मोहन घोष याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के स्तर में हुआ था? उसके कहाँ के स्तर में हुआ था? तो ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1907 में हुआ था, 1907 में, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 23वां दोस्तों अधिवेशन था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो ये लखनऊ समझौते में, लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो ये मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर दोस्तों किया गया? जल्दी से आंसर देंगे, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? यानी अवसर पर गाया गया था दोस्तों, तो याद रखना कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, 1938
और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। तो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, 1938 का जो अधिवेशन दोस्तों कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहां? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों, हाँ, गुजरात के हरिपुरा में, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1850 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1919 में। तो भी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो 1919 में, 1919 में किया था। नेक्स्ट है, 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो ये जनरल डायर पर था, जनरल डायर, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो ये मार्शल कानून लागू किया गया था, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पुलिस ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, यानी दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, बात दोस्तों किसने है, यहाँ पुलिस ने आएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। नेक्स्ट है, देखिए 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी इनमें से? तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था गणेश महोत्सव को। तो भी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। और कब किया था? 1893 में किया था। और लोकमान्य तिलक ने दोस्तों याद रखना शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी 1895 में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खिलाफत समिति का गठन कहां और कब हुआ था? तो बॉम्बे मार्च में 1919 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1920
का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था दोस्तों? तो ये लिया था चोरी चोरा की घटना के बाद। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। फरवरी 1922 में दोस्तों ये घटना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? खिलाफत समिति बनाई गई थी दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। ठीक है, और इस अधिवेशन के 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजया राघवाचार्यार ने। किसने की थी अध्यक्षता? सी विजया राघवाचार्यार। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन दोस्तों डैश में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? कलकत्ता में किया गया था, सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सितंबर 1920 पूछा है दोस्तों यहाँ, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते। जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता है ना, लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 के अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अध्यक्ष क्वेश्चन, अध्यक्ष टॉपिक जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन यानी 1917 को कलकत्ता में हुआ था 32वां अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजनी नायडू बनी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 40वीं वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी 1925 में। नेक्स्ट, कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो याद रखना कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान की चर्चा के लिए। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष से आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया? 1930 में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1931 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के किस वर्ष आयोजित, सॉरी मिस्टेक है यहाँ, ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष किया गया दोस्तों आयोजित? 1932 में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, 1932 में लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड डैश में हुआ था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ, 4 फरवरी 1922 में हुआ दोस्तों।
ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है 1927 में ब्रुसेल्स, यहाँ होगा ब्रुसेल्स, याद रखिएगा ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस आ गया, थोड़ी सी मिस्टेक की कांग्रेस, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने INC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में MP में दोस्तों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, JB कृपलानी। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या धवज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। कब की थी? 1923 में की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1928 में, 1928 में, बारदोली गुजरात में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है सरदार पटेल ने किया था, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था दोस्तों? तो याद रखना किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब? 1939 में की थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए डैश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था दोस्तों, सिंगापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या था? आजाद, याद रखिएगा दोस्तों, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? अब दोस्तों हर रोज 2 से 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से लगा लीजिए, टॉपिक वाइज तैयारी दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी होती है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम चल रहे हैं, वरना रास बिहारी बोस आता, रास बिहारी बोस आता। अगर ऑप्शन में रास बिहारी बोस दिया होता तो वहां रास बिहारी बोस ही होता दोस्तों, याद रखना, रास बिहारी बोस ही होता।
ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन सुभाष रास बिहारी बोस इस ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1944 में, 1944 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1897 में हुआ था, उड़ीसा के कटक में। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? तो ये दोस्तों कटक है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? तो किसने पुनर्जीवित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्जीवित किया था 1943 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आजाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय सेना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था, किसका? थल सेना का पुनरुत्थान किया था। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो 1944, 1944 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अगस्त 1907 में मैडम बेखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया। कहाँ फहराया? जर्मनी में फहराया। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलेगा देखिए नेक्स्ट। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो बेखाजी कामा है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका प्रमुख थी? सी आर दास की, चित्रंजन दास। डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था? क्या था दोस्तों? एकता, विश्वास, बलिदान। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष डैश में हुआ था, कब हुआ था? 1889 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, 1889। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 की जो अध्यक्षता है लाहौर अधिवेशन में की थी, 1929 में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये तमिलनाडु में किया था दोस्तों। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 1930 में किया था, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? 19 दिसंबर 1929 को पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट,
देखिए दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस स्तर में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन में। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो ये 1930 को दोस्तों, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, 1942 में भारत आया था, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, 241 मील। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से शुरू किया था, सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च गंतव्य स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था, किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था, तो याद रखिएगा दोस्तों, किस शहर में, दांडी में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ दोस्तों, दांडी में समाप्त हुआ, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अमेरिकी पत्रकार ने दर्शाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया गया, तो ये वेब मिलर ने किया दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। अगर दोस्तों किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी जल्दी से एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे, तो वेदारण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। 1930 में राजगोपालाचारी ने, याद रखिएगा, वेदारण्यम स्थान पर नमक कानून तोड़ा था दोस्तों, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन है, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था दोस्तों ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 1932 में हुए थे पूना समझौते पर हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, 1934 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची स्तर 1931 के संदर्भ में सही है, तो कौन सा सही है, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई, ये दोस्तों संदर्भ में सही है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो वर्धा में किया था, ऑप्शन ए रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था, तो ये कब, अगस्त क्रांति मैदान में दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, दोस्तों देखिए आपको बताऊं, यहाँ दिया है अगस्त 1942, 8 अगस्त को दोस्तों घोषणा हुई थी और 9 अगस्त को शुरुआत हुई थी, इतना याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ आपका एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था, तो ये 1928 में तैयार किया, 1928 में,
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया था? तो बॉम्बे में शुरू किया था 1942 में। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष क्या था? 1942 था दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो ये अरुणा आसफ अली ने फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? तो अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, करो या मरो का जो नारा है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डू और डाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, किस नेता ने हमें सी आर सूत्र दिया? किसने दिया है? सी राजगोपालाचार्य ने दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको बताऊं सी आर सूत्र क्या है? जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचार्य ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सी आर फॉर्मूला कहा जाता है, सी आर सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान एक मसौदा योजना थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक नीतियों की एक मसौदा योजना थी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथ्रिक लॉरेंस ने किया था, सर पैथ्रिक लॉरेंस ने किया था। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ये दोस्तों अंतिम वायसराय था भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, 1945 में ब्रिटेन में किसकी सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया? किसकी आई? लेबर पार्टी की सरकार आई, लेबर पार्टी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो याद रखना सभी, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष, सॉरी प्रथम गवर्नर जनरल, माफी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि सी राजगोपालाचारी अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखना। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली रियासत थी?
थी, तो ये ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 1947 में पारित किया गया था, 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। आपने अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।